आलू को मेरे बताए तरीके से अगर लगाएंगे तो चेहरे के सांवलेपन से, सन टैनिंग से, पिगमेंटेशन से छुटकारा मिलेगा, कलर ब्राइटन अप हो जाएगा और नेचुरल ब्लीच आप किस प्रकार से घर पर आलू के साथ कर सकते हैं, चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूं। नमस्कार, सत श्री अकाल, सारा नु मेत्र फती, बहुत बहुत प्यार, क्या हाल चाल है। आशा करती हूँ आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। मैं हूँ रेखा सिंह, लेके आ गई हूँ फिर से एक नेचुरल ब्लीच, किस प्रकार से आप अपने घर पर रह के स्किन के कालेपन से छुटकारा पा सकते हैं। स्किन के ऊपर अगर टैनिंग बहुत ज्यादा बन रही है, सनस्क्रीन बिना लगाए निकल रहे हैं घर से बाहर, तो स्किन के ऊपर टैनिंग जरूर बनेगी। स्किन के ऊपर टैनिंग बनने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो सनस्क्रीन ना लगाना, दूसरी अपनी स्किन की केयर ना करना, तीसरा अपना फेस को एकदम ओपन करके जाना। आपको अपनी स्किन को केयर भी करना चाहिए, अपनी स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ एप्लीकेट जरूर करना चाहिए जो कि आपको सूरज की जो हार्मफुल रेज होती है उससे आपको प्रोटेक्ट करे। सुबह 8 बजे से पहले वाली जो धूप होती है उसको आपको जरूर लेना चाहिए, वो आपको विटामिन डी देती है, लेकिन उसके बाद की जो धूप होती है ना वो आपकी स्किन को हार्म पहुंचाती है। तो अपनी स्किन को कवर करके रहिए, सनस्क्रीन जरूर लगाइए, सनग्लासेस जरूर लगाइए, भरपूर पानी पीजिए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जी एक नेचुरल ब्लीच। इसको आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। आलू के साथ बनाई है सारी चीजें, इसमें हमने स्क्रबर भी बनाया है, मैंने पैक भी बनाया है और साथ में मैंने आपकी स्किन को क्लींस किस तरह से कर सकते हैं उसके लिए एक टोनर भी शुरू में ही बनाया है जो कि आपको नंबर 1 पे करना है। ये टोनर क्या करेगा, ये क्लींजर या टोनर जो भी आप इसको बोलो, ये आपकी स्किन के ऊपर बनने वाले बॉयल से आपको निजात दिलाएगा। स्किन के ऊपर अगर बहुत ज्यादा पिंपल बन रहे हैं, स्किन को किस प्रकार से आप कूल डाउन कर सकते हैं, स्किन के ऊपर किस तरह से आप बिना पेपरमेंट के स्किन को क्लीन कर सकते हैं, ठंडा रख सकते हैं, आपको इस टोनर में जरूर देखने को मिलेगा। तो सारी चीजें आपके घर पर है, कुछ आपको खरीदना नहीं है, एक दो चीजें ऐसी हैं जिनको कि आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत आसानी से मिलती हैं और ये चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ही कम पैसे में मिलती हैं। आप इनको खरीद के रखिए, आपके रेमेडीज में ये बहुत बढ़िया काम करती हैं। स्किन को अगर चमकाना दमकाना चाहते हैं, DIYs को पसंद करते हैं तो ये चीजें आपको अपने घर में डेफिनेटली रखनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी, किस प्रकार से हमने इस पैक को बनाना है, किस प्रकार से हमने इस क्लींजर को तैयार करना है और किस प्रकार से हम अपनी स्किन के ऊपर एक स्क्रबिंग कर सकते हैं आलू के साथ में, स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं, इस वीडियो के थ्रू चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं हूं रेखा सिंह और लेके आती हूं ऐसे ही सिंपल होम रेमेडीज DIYs जिनको आप घर पर बहुत आसानी के साथ में कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपके साथ कुछ एक चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ जिनको कि आप मार्केट से खरीद सकते हैं, बिना किसी हार्मफुल केमिकल के होती हैं, ऑल नेचुरल होती हैं, तो आप उनको बहुत आसानी के साथ में लगा सकते हैं। कोई कोई चीज महंगी भी होती है लेकिन आपकी स्किन के लिए अच्छी होती है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भैया अगर स्किन एक बार खराब हो जाती है तो दोबारा वापस ठीक नहीं होती है। तो कहते हैं ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए 100 बार, तो वही वाली बात है, महंगी चीज खरीदिए लेकिन अपनी स्किन को प्रोटेक्शन दीजिए प्रॉपरली ताकि आपकी स्किन बिल्कुल भी खराब ना हो। तो आगे चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से ये तीनों चीजें हमने बनाई हैं। अब आप बोलेंगे दी आपने तो पहले बना ली, इसका वीडियो मैंने बना लिया है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एप्लीकेट कैसे करना है आगे मैं आपके साथ में बताने वाली। तो सबसे पहले हम अपने मेन इंग्रेडिएंट को रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमें लेना है एक कच्चा आलू, मीडियम साइज का ले लीजिए और उसको अच्छे से धो के आपने छील कर उसको आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड कर लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए, जैसे भी आपको करना है। अल्टीमेटली आपने इसका जूस निकालना है और जो इसका पल्प है वो हम हमारे सेकंड जो हमारा रेमेडी रहेगा उसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जूस निकाल लेते हैं और उसको कपड़े की हेल्प से मैं छान रही हूँ। आप चाहो तो स्टेनर या छन्नी की हेल्प से इसको छान सकते हो। अच्छा, छानने के बाद में मैं थोड़ा सा लेट हो गई तो हल्का सा ये डार्क कलर हो गया। आपको तुरंत इसमें, जैसे ही आप छाने, तुरंत आपने इसमें नींबू की 3 से 4 बूंदे डाल लेनी है ताकि ये ऑक्सीडाइज ना हो जाए और ये काला ना पड़े, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपना सबसे पहला जो हमने क्लींजर बनाना है उसके लिए हम ले लेते हैं 3 से 4 चम्मच हमारा आज का पोटैटो जूस, यानी कि आलू का जूस। आलू के जूस में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये दाग धब्बों को भी बहुत दूर करता है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी स्किन को कूल डाउन करने के लिए कुछ ऐसी चीज जो कि बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिलती है। मैं एल्प्स गुडनेस की लिकोराइस पाउडर यूज कर रही हूँ। ये इस तरह से पैकेट में मिलती है और ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें बिल्कुल भी कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। तो मैंने लिया है जैसे कि 3 से 4 चम्मच आलू का जूस
और इसमें मैंने लिया है एक चम्मच भर के लिकोराइस पाउडर। लिकोराइस पाउडर आपकी स्किन को ठंडा करता है, कूल करता है। जब आप लिकोराइस को अपने चेहरे पर लगाते हो, ये एकदम आपकी स्किन को नॉर्मल करके एकदम ठंडा बन देता है, जिससे कि आपके जो पिंपल में हीट होती है, गर्मी होती है, वो कूल हो जाती है। इसके साथ ही साथ लिकोराइस में प्रॉपर्टीज हैं आपकी एजिंग के ऊपर काम करने की, आपके कलर को ब्राइटन अप करने की, आपकी स्किन को क्लीन करने की, आपके पोर्स को क्लीन करके श्रिंक को टाइट करने के, लाइक पोर्स को ये टाइट कर देता है। तो लिकोराइज एक बहुत अच्छा माध्यम है अगर आप अपने चेहरे के पोर्स को श्रिंक करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं और साथ ही साथ पिंपल से भी छुटकारा पाना चाहते हैं। तो ये एक हमारा तैयार हो गया है सीरम, जिसको कि अब हम सबसे पहले अपने चेहरे पर लगाएंगे। किस प्रकार से हमने बनाया है, तो सबसे पहले हम अपनी स्किन पे लगाने वाले हैं जी ये क्लींजर, यानी कि टोनर, जो भी आप इसको कह सकते हो। ये आपकी स्किन को ठंडापन देता है, क्योंकि मुलेठी में ठंडकपन होती है। आपने कभी देखा होगा सिंगर्स वगैरह जो होते हैं ना, ज्यादातर मुलेठी चूसते रहते हैं, क्योंकि ये आपके गले को तराहट देती है, ठंडापन देती है, गले को आपके बैठने नहीं देती है। और इसके साथ साथ में जो मुलेठी होती है वो आपकी स्किन के एक्ने के ऊपर काम करती है। अगर डार्क स्पॉट्स बहुत ज्यादा बन गए हैं तो मुलेठी का यूज आपको अपनी स्किन पे जरूर करना चाहिए। ये आपकी स्किन को ठंडकपन देती है और साथ में पिंपल के ऊपर बने हुए इन बैक्टीरियाज को कूल डाउन करती है, हटाती है। और अब क्योंकि हमने इसको बनाया है आलू के जूस में, और आलू का जूस तो अपने आप में विटामिन सी का सोर्स है भैया। मतलब अगर आपको मार्केट की ब्लीच नहीं सूट करती है, या अभी आपके पास नहीं है और आपको बाहर कहीं जाना है, कहीं निकलना है और आपको अपनी स्किन पे ब्लीचिंग चाहिए, तो आलू का जूस आप अपने चेहरे पर बहुत आसानी के साथ में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको लगाना है और अपनी स्किन के ऊपर इसको 2 से 3 मिनट तक रखना है, ठीक है जी, ताकि ये ठंडापन हमारी स्किन को दे और हमारे बॉयल्स जो बने हुए हैं, जो पिंपल्स हैं, उनको ये ठंडा कर दे। मतलब बॉयल्स बनते हैं ना, मतलब उसमें हीट होती है, तो उसको ये ठंडा कर दे। तो ये अभी मैं इसको 2 मिनट तक ऐसे ही लगा के रखूंगी और उसके बाद में मैं इसको क्लीन कर दूंगी। हमें कोई इसमें स्क्रबिंग नहीं करनी है, अभी हमें इसमें कोई मसाज नहीं करना है, सिंपल ये आपको एप्लीकेट करना है और उसके बाद में आपने इसको पोंछ देना है। मैंने आपके सामने ही पोंछना है और आपको पता चलेगा कितना बढ़िया इसके बाद में रिजल्ट आता है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम स्किन के ऊपर ब्लीच करते हैं ना, तो ब्लीच हमारी स्किन के कलर को भी इन्हेंस करती है, डार्क स्पॉट्स को हटाती है, पैचेस को हटाती है बहुत आसानी से। अब ये तो था भैया जिसमें कि कूलिंग की प्रॉपर्टीज भी थी, तो आपकी स्किन के ऊपर बने हुए बॉयल्स को भी ये कूल डाउन करेगी बहुत आसानी से। इसके साथ साथ में आप इसको बना के 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगा। बस ये करिएगा कि आप फ्रिज में रखिएगा, क्योंकि अभी गर्मी के दिन है तो अभी ये खराब भी हो सकता है बाहर रखेंगे तो, क्योंकि आलू है। सॉरी, ये सिटी के लिए किचन में काम भी चल रहा है। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमने पोंछ लेना है, बहुत ज्यादा नहीं पोंछना है, क्योंकि अब हम करेंगे हमारा सेकंड स्टेप जो कि है स्क्रबिंग। तो किस प्रकार से हमने इसको बनाया है चलिए देख लेते हैं। हम तैयार करते हैं एक स्क्रबर, उसके लिए आपको वही आलू का जो पल्प है वो आपको लेना है। आलू पूरा का पूरा आपके यूज में आ सकता है अगर आपको सही तरीका पता हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेरा मैजिकल इंग्रेडिएंट जो कि है खांड। अब खांड के लिए बहुत लोग की रिक्वेस्ट आती है, मैम ये क्या होता है? देखिए, ये होती है कैस्टर शुगर, अगर आप इसको बोलो तो, जिसको कि बूरा भी बोलते हैं। नॉर्थ में आप जाओगे तो इसको बूरा कहते हैं। इसको हम घी में डाल के खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं। बहुत लोगों ने मुझे कॉमेंट भी किया था, कम ऑन फैमिली प्लीज बताओ किसने मुझे पिछली बार कॉमेंट करके बताया था कि बूरा को वो किस तरह से खाते हैं। मुझे पता है बहुत लोग के कॉमेंट आए थे, इसके ऊपर भी कॉमेंट आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। साथ में मिक्स कर लो इसमें आलू का जूस। किस प्रकार से हमने स्क्रबिंग को तैयार किया भैया, बहुत इसमें मतलब बहुत बढ़िया वाले इसमें इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, जिनको कि मैं हर बार लगाने के लिए आपको बोलती हूँ। ये इतना बढ़िया आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर देंगे, आपकी स्किन को चमका दमका देंगे, इतने बढ़िया से आपकी स्किन को स्मूथ कर देंगे कि आपको कोई भी ब्लीचिंग लाने की, पॉलिशिंग लाने की जरूरत ही नहीं है। आप घर में रखी हुई उस चीनी के साथ में, उस बूरे के साथ में अपने चेहरे को चमका दमका सकते हो, पॉलिश कर सकते हो, चिकना कर सकते हो पहली ही बार में। तो हमने इसको क्या करना है, अब क्योंकि आलू के पल्प के साथ में बना है तो ये नेचुरल है कि हमारी स्किन को गोरा भी करेगा, फेयर भी करेगा, डार्क स्पॉट्स को भी हटाएगा, अनइवन स्किन टोन को इवन करेगा और साथ में हमारी स्किन को पॉलिशिंग भी करेगा। माइल्ड एक्सफोलिएटर है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 3 से 4 मिनट की मसाज, जहां पर आपको लग रहा है कि स्किन बहुत ज्यादा खुरदरी है, जैसे कि आपके जो नाक का एरिया होता है, आपके लिप्स के नीचे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुरदरापन होता है और आपके माथे के ऊपर बहुत ज्यादा खुरदरापन होता है, तो यहाँ पर आपने मसाज जरूर करनी है, ना कि सिर्फ अपने गाल के ऊपर। गालों के ऊपर आपके ब्लैकेट नहीं बनते हैं जी, किसके बनते हैं प्लीज बताना, जरूर कॉमेंट करना किसको किसको गालों के ऊपर भी व्हाइटेड ब्लैकेट बने हुए हैं। वैसे मोस्टली आपको सिर्फ और सिर्फ नाक के पास में मिलेंगे, आपके माथे पे मिलेंगे, आपके होठों के आसपास में कालापन और ब्लैकेट जरूर दिखाई देता है।
तो इस प्रकार से हम 2-3 मिनट तक इसको मसाज कर लेंगे अच्छे से, ताकि हमारी स्किन और ज्यादा सॉफ्ट और ज्यादा सिल्की स्मूथ सी दिखे। भैया ये पता चलना चाहिए कि कुछ किया है चेहरे के ऊपर। तो ये मैंने कर लिया, 2 मिनट की मसाज करके इसको हम क्लीन कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 मिनट, मैं गीले टॉवल के साथ में इसको पोंछ रही हूँ। कोई बहुत ज्यादा पोंछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद में हमें अपने चेहरे के ऊपर लगाना है जी पैक। उस पैक को किस प्रकार से बनाया है और किस प्रकार से आप लगाएंगे ये मैं अब आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उसके पहले बता दूं कि ये पैक आपकी एजिंग के ऊपर भी बहुत बढ़िया काम करेगा, आपकी स्किन को टाइट और ब्राइट करेगा, और क्योंकि ये आलू से ही बना है तो आपके कलर टोन को भी ये बहुत बढ़िया से बढ़ाने का काम करेगा, एनहेंस करेगा। तो आपको इस पैक को जरूर लगाना चाहिए, ये आपकी स्किन को टाइट करता है, यंग लुक देता है। अगर आप इसका रेगुलर यूज करेंगे तो आपकी स्किन पहले से और ज्यादा टाइट से टाइट होती जाएगी, एज का इफेक्ट आपकी स्किन के ऊपर जल्दी नहीं दिखाई देगा। तो किस प्रकार से हमने इस पैक को बनाना है एक बार चल के चेकआउट कर लेते हैं। फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है बेसन। बेसन आपको लेना है चने की दाल का। बेसन आपके चेहरे के ऊपर एक्सेस ऑयल को खत्म करता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे के ऊपर पिंपल बनते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे वाइल्ड टर्मरिक। मैं यूज करी हूँ एल्प्स गुडनेस की वाइल्ड टर्मरिक, आपको बहुत इजीली मार्केट में मिल जाएगी। और प्लस पॉइंट है कि ये इस तरह से पेपर के पैकेट में आती है विद जिप लॉक, तो आप इसको यूज करने के बाद में वापस जिप लॉक भी कर सकते हैं। और इसमें बिल्कुल भी कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, ऑल नेचुरल है, तो आप इसको बहुत आसानी के साथ में यूज भी कर सकते हैं और लंबे टाइम तक इसको यूज में लाया जा सकता है। मैंने लिया है 2 चम्मच के आसपास बेसन और 1 चम्मच के आसपास मैंने इसमें एल्प्स गुडनेस की टर्मरिक यूज किया है। साथ में हम इसको बनाएंगे हमारा जो आलू का जूस है उसके साथ में ही, सारा का सारा जो जितना भी हमने आज का रेमेडीज बनाई है सब में आलू का जूस ही है। इसको अच्छे से अभी हम मिक्स करेंगे। देखिए अगर आपके चेहरे को हनी सूट करता है तो आप इसमें हनी भी डाल सकते हैं, जैसे कि मुझे सूट करता है। हनी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके चेहरे के ऊपर बने हुए पिंपल्स से आपको निजात दिलाती हैं, उसमें जो बैक्टीरियाज बैठे होते हैं उससे आपकी स्किन को काफी हद तक निजात मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें हम मिला लेंगे हनी, अगर आपको सूट करता है, नहीं सूट करता है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने कैसे बनाया है अब इस पैक को लगा लेते हैं। अच्छा, लगाते वक्त ध्यान दीजिएगा कि आपने इसको ऊपर की डायरेक्शन में लगाना है, बिल्कुल भी आपको इसको नीचे की तरफ नहीं करना है, क्योंकि इसको हमने पूरे तरीके से सुखा लेना है। ठीक है जी, अच्छे से आपने इस पैक को सुखाना है ताकि ये पूरी तरीके से सूख जाए, मतलब 90% तक ही सूखना चाहिए आपका पैक। ठीक है, उसके बाद ही आप इसको हटाना। ओके, तो ये हम लगा लेते हैं, ऊपर की डायरेक्शन ही रहेगी आपके पैक की अच्छे से, और बढ़िया से लगाना है, आंखों के पास छोड़ दीजिएगा, बहुत ज्यादा आपको आंखों के आसपास नहीं लगाना है इसको। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हम इसको लगा लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, और अब इसको हमने लगा लिया अच्छे से, अब मैं इसको सुखाने के बाद में आपको मिलती हूँ। तो जितनी देर में भी सूखे, अब चाहे 10 मिनट में सूखे चाहे 15 मिनट में सूखे, उसके बाद ही मैं आपको मिलती हूँ। तो ये देखिए, अब मैं आपको पोंछ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आया है। जितनी भी रेमेडीज होती है जिनको कि हम करते हैं, दिल से करते हैं, उनका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है यार, एकदम क्लीन हो जाता है फेस जब भी हम रेमेडीज को लगाते हैं और तरीके से लगाते हैं, तरीके से इन द सेंस लाइक उनके चीजों के साथ में, जिनके साथ में वो प्रॉपर बैठती हैं उनके साथ लगाते हैं, तो उनका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। और भैया मैं तो मेरी रेमेडीज को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश रहती हूँ अपनी रेमेडीज को लेके, इतना अच्छा रिजल्ट देती है कि मैं क्या बताऊं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आशा करती हूँ आपको ये आज की रेमेडी पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो देखने का वेट कर रहे थे और सोच रहे थे कि भैया कैसा रहेगा इसका रिजल्ट, तो अगर अब आपने देख लिया है तो प्लीज जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।